अभी तक कहीं देखा ही नहीं अगर आपको लगता है कि मैं Xiaomi के लिए हमेशा से बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं Sony, Samsung, LG, Motorola, Hisense, Nokia सभी ब्रांड्स के लिए क्रिटिकल हूं और आपने ही मुझे यह बोला है अलग अलग वीडियोस में दरअसल मैं किसी भी ब्रांड के लिए बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं हूं मैं हर प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको आपके पैसों की पूरी वैल्यू मिले उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और उसके लिए मैं अपने पैसों से एक प्रोडक्ट को खरीदता हूं जैसे मैंने इस टीवी को खरीदा और उसका रिव्यू आप तक लेके आता हूं और जानते हैं ये पैसे कहां से आते हैं ये पैसे आप देते हैं आप जब मेरे अफिलियट लिंक से कुछ परचेज करते हैं तो उससे आपके प्राइस को जरा सा भी चेंज करे बिना जो हमें थोड़ी सी कमीशन मिलती है उसे जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के हम ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ताकि आपको ऐसा रिव्यू देखने को मिले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करिएगा और आपको अगर कुछ भी खरीदना हो तो मेरे अफिलियट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे हमेशा की तरह आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि श्यामी का मी टी वी मिलने में मुझे कितनी देर हुई बिकॉज ऑफ सम अन जब फाइनली मुझे ये टीवी मिला तो उसके बाद मैंने इंस्टॉलेशन टीम को बुलाया और उनसे ही ये टीवी इंस्टॉल कराया अगर आप ये टीवी खरीदें तो आप भी ऐसा ही करें ताकि आपके टीवी की वारंटी वाइड ना हो इंस्टॉलेशन इज फेयरली सिंपल इसमें फुट स्टैंड मिलते हैं मेटल के जिसपे मैंने इस टीवी को माउंट कराया है और वॉल माउंट अलग से खरीदना पड़ता है फाइव हंड्रेड रुपीज का जिसे मैंने खरीदा नहीं टीवी इंस्टॉल हो गया अब हम करते हैं इस टीवी की अनरपिंग सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो चारों तरफ इस टीवी के आपको एक मेटल फ्रेम देखने को मिलेगा जो कि ब्रश्ड एल्यूमिनियम कलर का है और दिखने में काफ़ी सुंदर और प्रीमियम लगता है टीवी के बेजल्स काफ़ी थिन हैं और बॉटम पे आपको शाउमी की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी उसके नीचे आपको फार फील्ड माइक्रोफोन्स भी देखने को मिलेंगे जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा टीवी की बैक साइड पूरी प्लास्टिक की बनी है और कार्बन फाइबर लुक देने की उस पर कोशिश करी गई है लेकिन यह कार्बन फाइबर नहीं नॉर्मल प्लास्टिक ही है बैक साइड पे आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें से तीन एच पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और तीनों ही एच 2.1 पोर्ट्स हैं विच इज वेरी गुड और एक अच्छी बात इस टीवी के अंदर यह है कि आपको एच 2 एम आई टू पोर्ट इसमें ई पोर्ट मिलता है और इसके अलावा आपको दो यूएसबी पोर्ट इसी साइड पे ही देखने को मिलेंगे और इसी साइड पे आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा इसके अलावा आपको इस टीवी के अंदर ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट AV एंटेना पोर्ट एवी और पोर्ट देखने को मिलेगा और इसके अलावा आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस में ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी इस टीवी में देखने को मिलेगी इस टीवी के साथ आपको इसके बेस स्टैंड के अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है विदाउट बैटरीज रिमोट कंट्रोल यूजुअल यूजी स्टाइल में स्लीक और मिनिमलिस्टिक डिजाइन का मिलता है और उसमें आपको नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम की हॉटकीज मिलती है पैच वॉल और गूगल असिस्टेंट के बटन के साथ चलिए अब जल्दी से इस टीवी को ऑन करके आपको दिखाता हूं कि ये टीवी दिखने में कैसा है सबसे पहली बात कि इस टीवी को बूट अप होने में अप्रोक्सिमेटली थर्टी सेकेंड या फोर्टी सेकेंड के आसपास का टाइम लगेगा और ये काफी नॉर्मल है किसी भी एंड्रॉय टीवी के अंदर और बूट अप होने के बाद आपको इस टाइप की होम स्क्रीन इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगी इसमें आपको सभी पॉपुलर ओटीटी एप्स प्री डाउनलोडेड देखने को मिलेंगी और उसके सजेस्टेड कंटेंट भी आपको होम स्क्रीन पे ही देखने को मिलेंगे एक बार सभी एप्स पे लॉग करने के बाद आप जब पैचवॉल के बटन को क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ इसी टाइप का ही कंटेंट देखने को मिलेगा सजेशंस में ऐप कुछ कुछ खास मेजर चेंज लेके इस टीवी के अंदर नहीं आती मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं है जो आपको एंड्रॉइड इंटरफेस में देखने को ना मिलती हो वही सजेस्टेड कॉन्टेंट आपको पैचवॉल में भी मिलेगा और वही आपको एंड्रॉइड ओएस के अंदर भी मिलेगा ये आपके ऊपर है कि आपको पैचवॉल या फिर एंड्रॉइड किसके सजेशन ज्यादा सूट करते हैं क्योंकि कंटेंट आप कहीं से भी देखें प्ले वो आपकी टीवी में मौजूद ऐप से ही हो रहा है सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको एंड्रॉय 10 ओएस आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और इसमें आपको जीबी की मैक्सिमम स्टोरेज मिलती है लेकिन इसकी यूजेबल स्टोरेज ट्वेल्व जीबी है विच इज गुड इस टीवी के अंदर आपको एंड्रॉय 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और साथ में क्रोमकास्ट की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी एंड आपको उसके ऊपर पैचवॉल फोर का इंटरफेस देखने को मिलेगा ये ओवरऑल ओएस एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ या सॉफ्ट नहीं है इसमें बग्स हैं और ये बहुत लैग भी करता है इन माय ओपिनियन सम टाइम्स इनिशियली जब आप इसको चलाना शुरू करेंगे तो आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा लेकिन लेट्स से 15-20 मिनट्स के बाद ये लैग करना शुरू करेगा इसमें आपको वाईफाई डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी एंड समाइम्स एक दो और छोटे छोटे ग्लिचेस भी देखने को मिलेंगे विच आर नॉर्मली नथिंग बट

और टीवी को मुझे पूरी तरह से बंद करके दोबारा ऑन करना पड़ा वाईफाई को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए बट इसी मीरा कास्ट में जब मैंने शाउमी का कोई भी फोन कास्ट करने की कोशिश करी तो वो तुरंत कास्ट हो गया इस टीवी के अंदर आपको 4K के अल्ट्रा एच डी एट फोर्टी इंटू का रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा विद रियलिटी फ्लो सिक्सिटी फ्लो एक एम ई एम सी टेक्नोलॉजी है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है इस टीवी में इससे आपको मोशन ब्लर में बहुत ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं आपको ये आगे टेस्टिंग के दौरान दिखाऊंगा इस टीवी के अंदर आपको 8 बिट एफआरसी वीए डीएलेड पैनल मिलता है जो कि एचडीआर 10 एचडीआर 10 प्लस एचएलजी और डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ आता है एंड नाउ लेट्स आंसर द एलिफेंट इन द रूम इस टीवी के अंदर 100% बैकलाइट और 100% ब्राइटनेस करने पे यह टीवी देता है थ्री हंड्रेड फिफ्टी लक्स ऑफ ब्राइटनेस और आप इसे निट्स भी कह सकते हैं जिसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूं लेकिन यूजेबल कंडीशन में इसकी बैकलाइट को हंड्रेड परसेंट पे ब्राइटनेस को 50 परसेंट पे रख के अगर हम इसे टेस्ट करें तो यह पीक एच ब्राइटनेस बन जाती है 275 हंड्रेड लक्स और बैकलाइट को थोड़ा सा भी कम करने पे लेट्स से 70 पे रखने पे और ब्राइटनेस 50 पे ही रखने पे इस टीवी की ब्राइटनेस आ जाती है 175 या फिर लक्स। दोस्तों किसी भी टीवी की पीक एच ब्राइटनेस को टेस्ट करा जाता है उसकी बैकलाइट को मैक्सिमम करके और उसकी ब्राइटनेस को हाफ करके उस सेनारियो में इस टीवी की पीक एच ब्राइटनेस आती है 275 लक्स यानी आप इसे कह सकते हैं 275 हंड्रेड ऑफ पीक एच ब्राइटनेस लेकिन जैसे ही हम ब्राइटनेस को यानी जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आपको पिक्चर क्वालिटी में देखने को मिलता है उस वाले ब्राइटनेस को जब हम हंड्रेड परसेंट पे करते हैं तो आप इस पिक्चर क्वालिटी को देख नहीं सकते उस सिनेरियो में यह टीवी आपको पीक एच ब्राइटनेस देगा 350 निट्स के आसपास यानी 350 लक्स के आसपास बट आई एम अगेन टेलिंग यू कि उस में आप टीवी को देख नहीं सकते यह देखिए उसका रिजल्ट इस समय मैंने टीवी की ब्राइटनेस को 50 परसेंट पे रखा है और आप देख सकते हैं कि एस डी चैनल की पिक्चर क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिल रही है और अब इसी ब्राइटनेस को मैं परसेंट पे करूंगा जिस पे हमने इसकी ब्राइटनेस टेस्ट को करा था और अब आप देख सकते हैं कि इसी एस चैनल के ऊपर आपको पिक्चर क्वालिटी किस टाइप की देखने को मिल रही है इस टीवी के अंदर आपको विविड पिक्चर इंजन टू टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि एडाप्टिव ब्राइटनेस के साथ आती है शाओमी ने मी टीवी 5X के अंदर व्हाइट कलर गैमेट एन 85 परसेंट दिया है और डी सी पी रेशो नाइनटी परसेंट है ये फिगर्स सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं और उसकी वजह से आपको कुछ इस तरीके की, की पिक्चर क्वालिटी इस टीवी में देखने को मिलेगी एन और डी सी आई पी थ्री रेशो जो इस टीवी के अंदर आपको बहुत शानदार देखने को मिलती है उसका मतलब ये नहीं है कि इसके कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको कलर्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और यह कलर ऑप्टिमाइजेशन शाओमी ने करी है शाओमी ने किस टाइप की कलर ऑप्टिमाइजेशन करी है ये हमें देखना पड़ेगा और मेरे हिसाब से इस पिक्चर क्वालिटी के अंदर आपको रेड कलर ओवर सैचुरेटेड कलर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगेगा मैं आपको बता दूं कि इस समय पिक्चर क्वालिटी स्टैंडर्ड मोड पे है और बाकी सभी सेटिंग्स डिफॉल्ट मोड पे हैं। उसके बाद भी आपको इस फुटेज में रेड कलर थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड दिखने लगेगा कैमरा पे रेड कलर की ओवर सैचुरेशन कैप्चर हो पाई लेकिन ग्रीन कलर की ओवर सैचुरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से कैप्चर हो नहीं पाई लेकिन मेरे हिसाब से इस टीवी के अंदर आपको ग्रीन कलर भी थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड देखने को मिलता है अब हम इस टीवी की अप स्केलिंग केपेबिलिटीज को टेस्ट करेंगे सबसे पहले हम एच डी टॉप बॉक्स से एसडी चैनल यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल को चला के देखेंगे एच डी चैनल्स इस टी वी के ऊपर अच्छे से अपस्केल होते हैं लेकिन बहुत शानदार क्वालिटी इस टी वी से एस डी चैनल्स में एक्सपेक्ट करना गलत होगा कोई भी फोर के टी वी आपको बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी एस डी चैनल्स में नहीं दिखा सकता स्पेशली इन द बजट रेंज लेकिन एच डी चैनल्स की क्लैरिटी और अपस्केलिंग एच डी चैनल से बहुत ज़्यादा बेटर है लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मोशन ब्लर में आपको किसी टाइप की रिडक्शन इस टी वी में देखने को मिलेगी तो ये पूरी तरह से सही नहीं है एस और एच डी चैनल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी अपस्केलिंग या फिर बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको इस टीवी में देखने को नहीं मिलेगी एस चैनल्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपको एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा और एच चैनल्स की बात करूं तो वो भी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा देखने को एच चैनल्स में भी आपको नहीं मिलेगा इसका कारण है इसकी पुअर पिक्चर क्वालिटी बिकॉज ऑफ लेस ब्राइटनेस स्केलिंग की को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस टीवी के अंदर यूएसबी से प्ले करेंगे 720p, 1080p और 4K वीडियोस को जो अब आप देख रहे हैं वो है एक 720p का वीडियो और इस टीवी के अंदर इस वीडियो की अपस्केलिंग बहुत ज्यादा शानदार नहीं है yes, well, <laughs> लेकिन टेनिटीपी के वीडियो के अंदर आपको अच्छी अपस्केलिंग देखने को मिलेगी विच इज वेरी गुड और ये जो आप अपनी स्क्रीन पे अब देख रहे हैं वो है फोर वीडियो और वो आप इस टीवी के अंदर यूएसबी से प्ले कर पाएंगे और उसकी अपस्केलिंग भी बहुत अच्छी है अब इस टीवी की परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं ओ टी एप्स पे सबसे पहले हम मी टीवी फाइव के अंदर नेटफ्लिक्स ऐप को चला के देखेंगे और क्योंकि मी टीवी 5X फाइव एक्स डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है आपको नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन सपोर्टेड मूवीज में डॉल्बी विजन लोगो देखने को मिलेगा इस टीवी का यह पैनल एच डी आर टेन को भी सपोर्ट करता है और एच डी आर टेन प्लस को भी और ऐसे कॉन्टेंट को टेस्ट करने के लिए एमेजॉन प्राइम को चला के देखते हैं और यह पैनल एच डी आर टेन कॉन्टेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रहा है नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम की अगर हम बात करें जिसमें हमें डॉल्बी विजन एच डी आर टेन एच डी आर टेन प्लस जैसे कंटेंट देखने को मिलते हैं तो मेरे हिसाब से सभी टाइप के कंटेंट आपको फ्लैट यानी एक जैसे दिखते हैं चाहे आप एच डी आर टेन देखें एच डी आर टेन प्लस देखें या फिर डॉल्बी विजन देखें मेरे हिसाब से कोई भी फर्क हमें देखने को मिलता ही नहीं है क्योंकि ब्राइटनेस उतनी है ही नहीं कि आपको डॉल्बी विजन कॉन्टेंट उस तरीके का दिख पाए जैसा वो एक्चुअली में क्रिएट करा गया है आप अगर डॉल्बी विजन को बंद भी कर देंगे एच डी आर कॉन्टेंट नहीं भी देखेंगे तब भी आपको पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी बाकी कॉन्टेंट में देखने को मिल रही है दिस इज अ प्रो और अ कॉन आई विल लेट यू टू डिसाइड दोस्तों मी टीवी फाइव एक्स की लुक्स आपने बहुत सारे और वीडियोज में भी देख ली होंगी और मैंने भी आपको कुछ आइडिया दे दिया लेकिन अब हम बात करते हैं रियल रिव्यू की चलिए शुरू करते हैं टेस्टिंग और इसे चेक करने के लिए अब हम करते हैं इस टीवी की टेस्टिंग सबसे पहले हम इस टीवी पे करेंगे डिमिंग टेस्ट इस घूमते हुए सर्कल को बहुत ध्यान से देखें और इसके अंदर आपको मोशन ब्लर साफ नजर आने लगेगा मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मोशन फ्लो को स्मूथ सेटिंग पे रखा है यानी मैक्सिमम सेटिंग पे और उसके बाद भी आपको इस घूमते हुए सर्कल में हेलो या फिर ब्लूमिंग देखने को मिलेगी अगर हम इस टीवी का ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं जो हमने ट्वेंटी परसेंट फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट एट्टी परसेंट और हंड्रेड परसेंट पे किया है तो उसमें भी हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती स्पेशली इन दी लोअर परसेंटेज हमें ग्रेज बहुत यूनिफॉर्म नहीं दिखते अब हम इस टीवी का करते हैं स्ट्रेस टेस्ट जिसमें हमें एक्चुअली में ब्लूमिंग और हेलो का बहुत ज्यादा अच्छे से पता चलेगा इस स्ट्रेस टेस्ट में भी आपको ब्लैक्स तो अच्छे दिख रहे हैं लेकिन हेलो या फिर ब्लूमिंग देखने को मिल रही है और इसे पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए हम एक प्रॉपर हेलो टेस्ट करते हैं आप इस के ब्लेड को बहुत ध्यान से गौर करें और इसमें आपको घूमते हुए ब्लेड में एक की जगह दो या तीन इमेजेस देखनी शुरू होगी चाहे तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा कम करके इसको देखें आप इस हेलो या फिर ब्लूमिंग को ऑब्जर्व कर पाएंगे जितनी भी टेस्टिंग मैंने इस टीवी की करी है वो सिर्फ एक ही चीज़ को चेक करने के लिए करी है कि इसके अंदर हेलो इफेक्ट हमें कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है एंड आई कैन से कि इसमें ब्लूमिंग या फिर हेलो आपको देखने को मिलेगी ब्लैक्स इस टीवी के अच्छे हैं बिकॉज ये एक वी पैनल है और ब्लैक्स की मुझे इतनी ज़्यादा परवाह थी नहीं मुझे कलर्स देखने थे और हेलो इफेक्ट देखना था इस टीवी की एम यानी मोशन फ्लो जिसकी सेटिंग्स को मैंने स्मूथ पे रखा था उसके बावजूद भी हमें हेलो देखने को मिलता है कई फास्ट एक्शन सीन्स में आपको दो या तीन इमेजेस देखना गारंटीड है लेकिन, again, yours. अब बात करते हैं इस के इसी वीडियो को जब हम बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पर जाके देखते हैं तो आपको 25% तक का कलर और ब्राइटनेस लॉस इस टीवी में देखने को मिलेगा और ये है इसके वी पैनल होने की वजह से चलिए अब करते हैं मी टी वी फाइव एक्स का ऑडियो टेस्ट जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि किसी भी डिवाइस की ऑडियो टेस्ट करते समय आपको मैक्सिमम 70 से 75 परसेंट वॉल्यूम पे ही उसे टेस्ट करना चाहिए और वही हम इस टीवी के साथ भी करेंगे 75 परसेंट पे वॉल्यूम रखने के बाद ये ऑडियो क्लिप ध्यान से सुने अब इसी ऑडियो क्लिप को हम एक साउंड बार लगा के टेस्ट करेंगे और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको एक साउंड बार लगा के क्या डिफरेंस महसूस होता है

इस कैबिनेट के अंदर जो आपको थर्टी वॉट के स्पीकर मिलते हैं उसे मैं कह सकता हूं एवरेज एंड दिस इज नॉट अ बैड थिंग बिकॉज अभी टीवी क्वालिटी होता हर टीवी के अंदर आपको बेस्ट स्पीकर नहीं मिलते और आपको टीवी खरीदना चाहिए बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए ना कि बेस्ट ऑडियो क्वालिटी के लिए इस टीवी के अंदर आपको फार फील्ड माइक्रोफोन्स भी मिलते हैं जो आप यहां से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं ओके okay, गूगल बोलने पे वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर भी प्रॉपर करेंगे और आपकी कमांड फॉलो करेंगे दिस इज अ गुड फीचर टू हैव बट ये फीचर की वजह से आप टीवी खरीद रहे हैं जरा सोच के टीवी खरीदिए इससे पहले कि मैं आपको यह टीवी खरीदना चाहिए कि नहीं मैं पहले आपको यह बताता हूं कि यह टीवी इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है और इसका प्रिटीसेसर यानी मी टीवी 4X इतना ज्यादा क्यों बिकता था वो नंबर वन स्मार्ट टीवी ब्रांड बना कैसे वैसे क्योंकि इसके मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा बिकते हैं और वो बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं शाओमी बहुत बड़ी कंपनी है और वो बहुत सारे अच्छे मोबाइल फोन्स भी बनाती है और आपके हाथ में जब एक मोबाइल फोन है उसी कंपनी का जब आप एक टीवी देखते हैं तो ऑटोमेटिकली यू गेट कन्विंस टू बाई इट और एक बात हमें और ध्यान देनी होगी कि इंडियन ऑडियंस है कौन मैक्सिमम इंडियन ऑडियंस डेली सोप ऑपराज देखती है उनके लिए सास बहू के सीरियल के अंदर अच्छे साड़ी का कलर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वेलरी के अंदर बहुत ब्राइट दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस टीवी के अंदर पीक एच डी आर ब्राइटनेस ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टीवी के अंदर आपको अच्छे रेड कलर दिखना अच्छा ग्रीन कलर दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस डी चैनल के अंदर भी वो इफेक्ट देख पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिए टीवी सबसे ज्यादा बिकता है प्रोजेन कॉन्स की बात करें सबसे पहले इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं उसके बाद आपको प्रोजेन कॉन्स भी बताऊंगा इस टीवी के अंदर आपको जो डीसीआई रेशो और एन की परसेंटेज देखने को मिलती है उसे भूल जाइए सिर्फ एक चीज याद रखिए कि मेरे मीटर के अंदर इस टीवी की पीक एच ब्राइटनेस निकली थी टू लक्स आज आपको लक्स और निट्स का डिफरेंस भी बताता हूं निट्स होते हैं एक लाइट सोर्स में कितनी लाइट निकली वो और लक्स होते हैं उसे कैप्चर करके यह बताने का मतलब कि कितने लक्स या कितने निट्स ये ब्राइटनेस आपको इस लाइट सोर्स से मिल रही है इसलिए जब मैं कहता हूं 275 लक्स तो उसका मतलब होता है 275 निट्स की ब्राइटनेस ये लाइट सोर्स यानी यह पैनल दे रहा है इस चीज को ध्यान रखिए दूसरी बात आपको इसके अंदर ओवर सैचुरेटेड रेड कलर देखने को मिलेगा यानी आपको वाइब्रेंट पिक्चर देखने को गारंटीड मिलेगी आपको अगर ऐसी पिक्चर पसंद है देन गो इट। इसके अंदर आपको ग्रीन कलर भी थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड देखने को मिलेगा बट दैट इज एक्सेप्टेबल उतना चलता है यह है इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में नटशल जो आपको जानना चाहिए अब बात करते हैं इस टीवी के प्रोज के बारे में इस टीवी का जो डिजाइन है ट इज एबसोल्यूटली ब्रिलियंट आपको बहुत थिन बेजल्स देखने को मिलेंगी और यह मेटल की बेजल्स बहुत ज्यादा प्रीमियम भी दिखती है विच इज वेरी गुड नंबर टू इस टीवी के अंदर जो भी वीडियो फॉर्मेट आप देखेंगे एच डी आर टेन एच डी आर टेन प्लस डॉलबी विजन वो सब आपको एक जैसा ही दिखेगा अब आई डोंट नो ये अच्छी बात है यह बुरी लेकिन मैंने इसको प्रोज में इंक्लूड किया है कि आपके पास अगर डॉलबी विजन कॉन्टेंट नहीं भी है तो भी आप यही समझ सकते हैं कि आप डॉलबी विजन कॉन्टेंट देख रहे हैं एंड ये मेरा ओपिनियन है सोशा मी प्लीज डोंट माइंड इट तीसरी बात अडेप्टिव ब्राइटनेस इस टीवी के अंदर अच्छा काम करती है ब्राइटनेस कम हो जाती है और रात को देखने के लिए ये एक अच्छा फीचर है जो कि सेंसर्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं दे गिव यू स्लाइटली लेट्स एट थ्री सेकेंड डिलेड रिस्पॉन्स बट दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में इस टीवी का जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा लैगी है मेरे हिसाब से और इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक करा जा सकता है कब करेगा शाओमी मुझे नहीं पता करेगा कि नहीं ये भी मैं नहीं कह सकता लेकिन आपको हर पांच सात या दस मिनट के अंदर एक लैग जरूर देखने को मिलेगा और ये है पैचवॉल की वजह से क्योंकि वो इस पूरे ओएस को थोड़ा सा हैवी कर देता है वॉल का होना या ना होना वो आपके सब्जेक्टिव है आपको अगर बहुत पसंद है पैचवॉल तो आपको बहुत पसंद है लेकिन मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी यूजफुल जो सजेशन पैचवॉल आपको दिखाता है वही सजेशन आपको एंड्रॉइड 10 की होम स्क्रीन भी दिखाती है इट इज ओनली अ मैटर ऑफ योर चॉइस नंबर टू कौन एम ई एम सी इज ओवर हाइट इन दिस टीवी ये मोशन ब्लर और एम ई एम सी का अच्छा ना होना मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है जो गेमर्स हैं क्योंकि इसमें जो ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको ए एल एल एम जो आपको देखने को मिलता है उससे कितना बेनिफिट आपको हो पाएगा आई से मेरे पास गेमिंग कॉन्सोल नहीं है और मैं इसको इस टीवी को गेमिंग के लिए टेस्ट नहीं कर पाया हूं बट आई कैन ओनली से कि सी डज नॉट वर्क एज इट इज एडवर्टाइज एक और कौन जो मुझे लगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कलर्स इस टीवी के अंदर आपको नेचुरल देखने को नहीं मिलते इस टीवी की ब्राइटनेस कम है मेरे हिसाब से और मैं ये कहूंगा कि आई थिंक इट इज बेस्ट सुटेड फॉर एच डी एंड एच डी चैनल्स अगर आपका ज्यादा कॉन्टेंट वही है जो आप देखते हैं मैंने जब Redmi टीवी का मी स्टोर पे जाके एक रिव्यू बनाया था और उसकी टेस्टिंग लाइव करी थी तब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा अब्यूज करा था जब मैंने उस टीवी की ब्राइटनेस को बताया था टू हंड्रेड और वो सिर्फ मेरा अंदाजा था सिर्फ आंखों से देख के मैंने ये बात बताई थी आज इस टीवी की पीक एच ब्राइटनेस मैंने मीटर में टेस्ट करी तो वो आई 275 लक्स मैं ये बहुत सेफली अज्यूम कर सकता हूं कि ये टीवी और रेडमी टीवी बिल्कुल सेम टीवीज हैं सेम पैनल्स के साथ आते हैं लुक्स और डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करा गया है एक आध फीचर एक्स्ट्रा दिया गया है अदरवाइज देर इज नो मेजर चेंज इन बोथ दीज टीवीज एक चीज होती है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसिस यू आर स्टक बिटवीन either और yes और नो no. हम अब उसके बारे में बात करते हैं आपको ये टी वी लेना चाहिए कि नहीं आप अगर डेली सोप ऑपराज देखते हैं एच डी एच डी चैनल्स ही ज़्यादा देखते हैं स्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं देखते तो आपके लिए टी वी बहुत अच्छा है आप इसे ले सकते हैं लेकिन मैं आपको दूसरी चॉइस भी देता हूँ आप रेडमी टी वी भी खरीद सकते हैं मेरे हिसाब से रेडमी और मी टी वी फाइव एक्स बिल्कुल सेम टी वीज़ हैं तीसरी चॉइस देता हूं आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑप्शन तीसरी चॉइस यह है कि आप कोई और बेटर टीवी ले सकते हैं जो इससे सस्ता भी कॉस्ट कर रहा हो चौथी चॉइस देता हूं वो ये है कि आप कोई और बेटर टीवी ले सकते हैं जो इससे थोड़ा सा महंगा हो लेकिन आप हर टाइप का कंटेंट उस पर देख पाएं आई एम सॉरी आपको इतनी सारी चॉइसेस देने के लिए लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मैं आपको समझा पाऊं कि आप जहां पैसा लगा रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं डिसीजन सारा आपका है क्योंकि मैं ये डिसाइड आपकी जगह पे आके नहीं करने वाला हूं आपको देखना है कि आप कौन सा कंटेंट ज्यादा देखना पसंद करते हैं आपको देखना है कि आपको मी टीवी फाइव से प्यार है या फिर ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी से प्यार है मेरे हिसाब से इस टीवी से फार बेटर हैं हाई सेंस टोर्नाडो मोटोरोला जी एक्स प्रो बजट रेंज में नोकिया टीवी और ये सेम ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो मेरे हिसाब से सिमिलर ऑप्शन है रेडमी टीवी और इस टीवी से फार बेटर ऑप्शंस हैं एल जी यू पी सेवन फाइव डबल जीरो सेवन सेवन टू जीरो और सैमसंग का ए यू सिक्सटी और ए यू सेवेंटी मेरे हिसाब से ये सभी टीवीज इस टीवी से ज्यादा बेटर हैं एक्सेप्ट फार फील्ड माइक्रोफोन्स एक्सेप्ट द बिल्ड क्वालिटी एंड एक्सेप्ट द मी टी वी फाइव एक्स ब्रांडिंग शाम आपको मीटी वी फाइव एक्स पे देता है वन ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी एंड एक्स्ट्रा वन ईयर की वारंटी ऑन पैनल। आप अगर इस टीवी को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और उसके प्राइस हर साइज के ये रहे आपकी स्क्रीन पे चॉइस इज कंप्लीटली योर्स अगर आप कोई और टीवी खरीदना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी टीवी की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस टीवी के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वो सभी मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं आपकी सपोर्ट मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता आया हूँ और अब भी अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में और अगर आपका कोई सवाल है मी टी वी फाइव एक्स से लेके या फिर किसी और चीज़ को पूछने के बारे में तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ थैंक यू वेरी मच